जी SVM ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम अपना जो प्रश्नावली चल रही थी गणित की अपनी 1.3 उसका थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एक बार। तो क्वेश्चन ये है, थर्ड में पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है, किसी भी पूर्णांक है एक आपके पास, किसी पूर्णांक ए के लिए, पूर्णांक का नाम है ए के लिए, ए के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। किसी पूर्णांक ए के लिए -1 × a किसके समान है, किसके समान है, आंसर देखना इसका। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोई पूर्णांक है ए, क्या है ए, पूर्णांक क्या है ए, पूर्णांक जानते हो ना आप, ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो सब मिलकर क्या बनाती है, पूर्णांक। तो पूर्णांक ए है, संख्या नहीं ली है, ऐसी मान लिया कि एक पूर्णांक ए है। अगर ए के लिए -1 × a अगर ऐसे किया जाए, -1 को a से गुणा किया जाए तो क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, a को गुणा किया 1 से तो क्या आएगा a, आगे क्या है माइनस, तो माइनस का माइनस, माइनस कितनी बार आया है एक बार, तो माइनस का क्या जाएगा माइनस। ठीक है, समझ गए आप। तो -1 को a से गुणा करने पर -1 आता है, ये हो गया आंसर, बस यही बताना था। तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन ये है, सॉरी तीसरे का सेकंड नंबर, तीसरे में दो हैं, तीसरे में सेकंड में क्या कह रहा है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, एक के साथ गुणनफल है। ये क्या कह रहा है, आप समझे नहीं समझे, अब समझ जाओगे। ये कह रहा है कि एक कोई पूर्णांक लो जिसको -1 से गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा। तो देखो पहला पूर्णांक क्या ले रहे हैं, इसमें a है, सेकेंड में भी a ले रहे हैं, a में अपना है -22। अगर -22 पूर्णांक क्या ले लिया, -22 जिसका -1 के साथ, तो अब इसको -1 से गुणनफल कब आएगा, जब -1 और ये 22 गुना होगा तो क्या आ जाएगा गुणनफल। तो -22 को -1 से गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा वो बताना है। कोई पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये हो गया पूर्णांक, जिसका -1 तो ये हो गया -1 के साथ गुणनफल क्या आता है। तो -22 को -1 से गुणा करने पे देखो, 1 को 22 से गुणा करेंगे 22 एकम 22, माइनस और माइनस गुणा हुए तो क्या आ गया प्लस। ठीक है, क्योंकि ये 1 और 1 दो माइनस हैं, सम बार आता है, अगर माइनस का निशान सम बार आता है तो भी क्या आता है प्लस। ठीक है, तो ये हो गया कि -22 को -1 से गुणा करने पे पूर्णांक क्या आएगा 22। तो 22 ऐसा पूर्णांक है जिसको -1 से गुणा करने पर -22 वापस आ जाएगा, समझ गए। अब इसमें दूसरा बी, ये भी इसमें करना है, ये इसके आंसर में। ठीक है, बी में क्या है, 37, अगर 37 को इसको भी -1 से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या आएगा, 37 को 1 से गुणा करो, 37 एकम 37, अब इसके आगे माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो माइनस का निशान एक बार आया है तो वापस क्या आ जाएगा -37। एक बार ही तो आया माइनस का निशान, सी में देखना, 0
जीरो को अगर माइनस एक से गुणा करो, जीरो को किसी से भी गुणा करो, क्या आएगा? जीरो। ओके, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन हल। फोर्थ क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ेंगे कि माइनस एक गुणा पाँच से प्रारंभ करके प्रश्न ये हैं, विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 × -1 = 1 को निरूपित कीजिए। प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा आपके। अब नोट करें इसको फटाफट, प्रश्न को और इस आंसर को, फिर इसका आंसर करवाते हैं। अभी जल्दी से कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। कर लिया बेटा नोट? कर लिया क्या? कर लिया होगा शायद। आगे देखो, इसका आंसर करवाते अभी। ये मिटा देता हूं, तीसरे का फर्स्ट एंड सेकंड। चलो मिटा दिया। प्रश्न ये है कि -1 × -1 × 5 करने पर कितने आते हैं -5। उत्तर में लिखेंगे, पहले देखें इसको, तो -1 × 5 से शुरू करना है, तो -1 को 5 से गुणा करने पर क्या आएगा? -5। ये माइनस का 1 है और ये 5 है, तो 5 को 1 से गुणा किया 5, और -1 आया, 1 ही माइनस का निशान है, तो वापस क्या आ जाएगा? माइनस का निशान। अगर दो माइनस होते तो माइनस और माइनस क्या हो जाते? प्लस। तो माइनस का निशान एक बार, मतलब एक क्या होता है? विषम। तो विषम बार अगर माइनस का निशान आए तो वापस माइनस का निशान आएगा, और अगर सम बार, दो बार, चार बार, छह बार, आठ बार माइनस का निशान आता है तो वो प्लस हो जाता है। अब इसको यहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक ले जाना है? -1 × -1 = 1 आना चाहिए, यहाँ तक इसको लिखना है। तो हमने पहले क्या किया, -1 को गुणा किया 5 से, तो क्या आया? -5। अब 5 के नीचे, 5 के बाद क्या आते हैं? 4, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे। माइनस, अब आपको कहाँ जाना है? -1 से 5 से शुरू करके -1 पे जाना है, नीचे जा रहे हैं, तो 5 के बाद क्या आते हैं? 4। 4 के बाद आते हैं 3, ऐसे नीचे जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? -1 को पहले 5 से किया तो -5 आए, -1 को 4 से किया तो क्या आएंगे? -4। 4 × 4 और माइनस का माइनस। फिर अब -1 को किसे करेंगे? 3 से, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अब -1 को 3 से किया तो क्या जाएगा? -3। -1 को 2 से करो तो क्या जाएगा? -2। -1 को 1 से करो, अब 2 के बाद क्या आता है? 1। -1 को 1 से किया तो वापस आ जाएगा -1। अब -1 के बाद 1 के नीचे क्या आता है? 0। ठीक है, -1 को 0 से किया तो क्या आ गया? 0। -1 को अब करेंगे 0 के नीचे क्या आता है? -1। आता कि नहीं आता? संख्या रेखा बनाई थी हमने, तो -1 को 1 से गुणा करने पर क्या आता है? 1। ये हो गया पैटर्न। -1 को 5 से शुरू करके -1 को -1 तक ले जाना था, तो ये आ गया -1 × -1 = 1 आ गया। बस ये हो गया पैटर्न, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। इसको मिटा देता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन को। आगे देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, उचित गुणधर्मों का
उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। उचित अब पहले ये नोट करो फटाफट, फिर अगला करवाते हैं। इसका फर्स्ट गुणा करने का ये चलिए फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में क्या दे रखा है देखिए, पांचवे का पहला तो इसमें ये है कि 26 गुणा माइनस 48 प्लस माइनस 48 गुणा माइनस 36 ये है। देखिए आप लोग, तो माइनस 48 दो बार आया है ना। चलिए देखो, 26 गुणा माइनस 48 और माइनस 48 गुणा 36। देखो ये प्लस का निशान जो है वह इसको और इसको अलग कर रहा है। प्लस का निशान जैसे मान लो 2 + 3 हो, तो 2 मतलब 2 अलग हैं, प्लस का निशान आ गया बीच में, 3 भी क्या है अलग। अब इन दोनों का क्या करेंगे, देखो 26 गुणा माइनस 48 और ये है 48 गुणा माइनस 36। 48 इसमें भी है माइनस का 48, इसमें भी क्या है माइनस 48। तो जो दोनों में हो उसको क्या लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी देखो ये पद गुणा हो रहा है दोनों साथ में, बीच में प्लस आ गया, ये दोनों साथ में गुणा हो रहे हैं, इसमें भी 48 है और इसमें भी क्या है 48। 48 को बाहर ले लिया, माइनस 48 आ गए बाहर। तो देखो यहाँ से माइनस 48 बाहर ले लिया और यहाँ से भी माइनस 48 बाहर ले लिया, दोनों में है इसलिए बाहर ले लिया कॉमन, जो दोनों में हो उसे कहते हैं कॉमन। अब यहाँ क्या, यहाँ से 48 बाहर आ गया, यहाँ पर कितने बजे 26, ये 48 बाहर आ गया। अब यहाँ किसका निशान है प्लस का, तो ये आ गया प्लस, यहाँ से भी 48 क्या आ गया बाहर, ठीक है। अब यहाँ कितने बचे माइनस 36, ठीक है। अरे बचे कि नहीं बचे, अब देखो माइनस 48, अब 26 और माइनस 36 कितने होते हैं, ये 26 प्लस के हैं और ये माइनस के 36 हैं। देखो 26 प्लस और माइनस दो निशान आ गए, ठीक है, तो प्लस और माइनस गुणा हो गया क्या आ गया माइनस, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से उल्टे निशान हैं, तो यह आ गया माइनस 36 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस 48 26 में से 36 गए, अब 26 हैं उसमें 36 जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, ये 36 किसके हैं माइनस के, तो माइनस के 36 आ जाएंगे ऊपर और ये 26 छोटे हैं ये आ जाएंगे नीचे। 36 में से 26 के पीछे बचे 10, ऊपर कौन है माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो नीचे किसके बचेंगे माइनस के 10, तो ये आ गए माइनस 10, ठीक है। अब ये और ये दोनों क्या हो रहे हैं गुणा, क्या हो रहे हैं गुणा। जब भी कोई संख्या कोष्ठक के अंदर हो, एक संख्या कोष्ठक के बाहर हो और बीच में कोई निशान नहीं हो, तो इसका मतलब क्या होते हैं वो गुणा, क्या होते हैं बेटा गुणा। तो 48 और 10 को गुणा करो, 0 10 का 0 ले लिए नीचे, यहाँ बचा 1, 1 को 48 से गुणा किया 48, ठीक है। अब माइनस इस पे भी है और माइनस इसके आगे भी है, माइनस 1 और 1 माइनस 2 है ना, तो 2 माइनस हो तो संख्या क्या हो जाती है प्लस की, या माइनस और माइनस गुणा हो तो क्या आ जाता है प्लस, क्योंकि दोनों ही एक जैसे निशान है, माइनस माइनस गुणा हो गया क्या हो जाएगा प्लस, ये आगे 480। तो जब भी ऐसे आ जाए जो संख्या दोनों तरफ हो, माइनस 47 को कॉमन ले लेना है बाहर और फिर दोनों को जोड़ के आपस में गुणा कर लेते हैं। दूसरा यहाँ करवा लेता हूँ, देखना ध्यान से, बी है
53 गुणा माइनस 125। इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, 8 गुणा 53 गुणा माइनस 125। इसमें क्या होता है कि क्या करते हैं अपन, ये जो 8 है ये मान लो इसको ये मान लिया a गुणा b गुणा c, तो हम इसको उल्टा पुल्टा भी तो कर सकते हैं, b को आगे लाएं गुणा a को पीछे ले गया तो c और a गुणा हो गए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं इनको, ये गुणनशास्त्र का नियम होता है, इसमें इनको आगे पीछे भी किया जा सकता है। तो ये गुणनशास्त्र के नियम से हम क्या करेंगे, गुणन ऐसे नियम लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, गुणन साहचर्य नियम, और ना लिखो तो भी चलेगा। गुणन साहचर्य नियम क्या होता है कि अगर a गुणा b गुणा c हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a गुणा b गुणा c इसको साथ लेके भी कर सकते हैं, या किसको भी, a को भी पीछे ले जा सकते हैं, इसको भी ला सकते हैं। तो देखो 8 गुणा 53 गुणा माइनस 125 है, तो हम इसको अगर ऐसे करें 153 को c को आगे ले आओ, 8 के 8 माइनस 125 को आगे ले सकते हैं, तो माइनस 125 ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे और 53 कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो 125 को 8 से गुणा करो, कितने आते हैं, 125 गुणा 8 आते हैं अपने, 125 इंटू 8 हो जाएंगे शायद 1000, 8 रुपये 40 सुपर असल की 4, 8 दो 16 और 4 20 की सुपर असल की 2, 8 एक 8 और 2 10, 1000 आ गए। ये गुणे को आसान बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो 8 को 125 से गुणा किया कितना आ गया, 1000, कितना आ गया बेटा, 1000। लेकिन ये माइनस के 125 है और ये प्लस के हैं, 8 गुणा माइनस 125 आ गए 1000, तो 125 का किसका निशान है, माइनस का, ये किसके होंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस का निशान एक बार आया है। अब माइनस 1000 को इन दोनों को गुणा किया, माइनस 1000 आ गया गुणा 53। अब देखो 53 से 1000 को गुणा करना आसान है ना, तो 1000 में कितने जीरो, 1 2 और 3, तो 1 2 3 ये 3 जीरो आ गए वहाँ पे, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचे 53, 53 को 1 से गुणा किया कितना आ गए, 53 आ गए। अब इसका किसका निशान है, माइनस का, और ये किसके हैं, प्लस के, ये माइनस और ये प्लस गुणा क्या हो गया, माइनस वापस, क्योंकि माइनस का निशान कितनी बार आया है, एक बार, ये आ गए माइनस के 53000। ओके, ये कंप्लीट हो गया, इन दोनों को उतारिए फिर आगे करवाते हैं, आराम से नोट कीजिए अच्छे से, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लें, फिर वीडियो को वापस प्ले करें, ऐसे करते रहें। चलिए इसका अगला करते हैं, इसका अगला सबको दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे आप लोग वीडियो में, वीडियो देख के कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम हो तो कि ये समझ में नहीं आया सर वगैरह, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ अपन, अब इसका थर्ड करते हैं, पांचवे का थर्ड गुणन है, गुणा करने का ही है, तो ये आपने दोनों नोट कर लिए होंगे। तीसरा इस प्रकार है, 15 गुणा माइनस 25 गुणा माइनस 4 गुणा माइनस 10, ये संख्या है, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ए बी सी डी, ठीक है, इनको आगे पीछे कर सकते हैं आप लोग, इनको आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे देखो 25 और 4 को गुणा करें तो क्या आते हैं, 100, इन दोनों को साथ में ले सकते हैं, ये 15 और ये 10 गुणा करें तो क्या, 150, इनको दोनों को साथ में ले सकते हैं। तो देखो 15 गुणा ऐसे संख्याएं लो, ऐसे जोड़े लो जिनको गुणा करने पे ज़्यादा जीरो वाले आंसर आए, मतलब जिससे गुणा आसानी से हो जाए। तो देखो 25 को 10 से गुणा कर लें तो 15 गुणा माइनस 10,
ठीक है, फिर गुणा 25 माइनस के 25 और माइनस 4, माइनस 25 गुणा माइनस 4, ठीक है, 15 को 10 से गुणा किया कितने आए 150, अरे 0 का 0 और 1 को 15 से गुणा किया 15, ये माइनस का निशान है और ये प्लस का, दिए किसके हो गए माइनस के 150, अरे इन दोनों को साथ में कर रहे हैं गुणा, 15 को 10 से किया 150 आते हैं, इसका किसका निशान है माइनस का, ये किसके हो जाएंगे माइनस के 150, ये गुणा 25 और 4 को गुणा करेंगे 25 चौके 100 होते हैं, माइनस और माइनस, माइनस माइनस दो बार आया है, तो जब माइनस और माइनस गुणा हो तो क्या आता है प्लस, ये हो गए प्लस के 100, ये हो गए माइनस के 150, अब ये दोनों आपस में गुणा होंगे, इसके 2 जीरो और इसका ये 1 जीरो, टोटल कितने जीरो हो गए 3 जीरो, इसके 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ बचे 15, 1 को 15 से गुणा किया 15, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, ठीक है, तो माइनस और प्लस गुणा तो क्या आता है वापस माइनस, या माइनस का निशान एक बार आए 3 बार 5 बार 7 बार, यानी माइनस का निशान अगर विषम बार आता है तो उत्तर माइनस में ही आएगा, और माइनस का निशान अगर सम बार, जैसे 2 बार आ गया माइनस, 4 बार 6 बार, तो उत्तर किस में आएगा प्लस में, या आगे माइनस के 15,000। एक और करते हैं, इसके बाद चौथा उदाहरण कर देंगे, डी माइनस 41 माइनस 41 सही है गुणा 102 माइनस 41 गुणा 102, अब इसको किससे करेंगे वितरण नियम से बांटेंगे, इसको वितरण का मतलब होता है बांटना, वितरण नियम से अगर हम 41 को 102 से गुणा करें तो ये गुणा लंबा हो जाएगा और काफ़ी कठिन होगा, तो अपन क्या करते हैं देखो माइनस 41 को ऐसे ही रहने दो, ये क्या है बड़ी संख्या, ये 102 है, 102 को हम और कैसे लिख सकते हैं 100 और 2, 100 और 2 कितने होते हैं 102, तो हम 102 को बांटेंगे, इसका वितरण करेंगे, इसको बांटेंगे तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे 100 प्लस 2, ठीक है, अब 41 तो गुणा होगा एक बार 100 से और फिर 41 गुणा होगा 2 से, अब 41 गुणा हो रहा था 102 से, 102 के हमने 2 टुकड़े कर दिए 100 प्लस 2, तो माइनस 41 जो है वो पहले 100 से गुणा होगा, फिर 2 से भी तो गुणा होगा ना, अरे भाई माइनस 41 100 से गुणा होगा फिर 2 से भी गुणा होगा, बीच में किसका निशान है गुणे का, तो 41 के 41 गुणे का गुणा, 102 को हमने तोड़ा 100 प्लस 2 102 में, और अब 41 गुणा होगा 100 से, तो 41 गुणा 100 एक तो ये हो गया, फिर ये किसका निशान है प्लस का, तो प्लस का प्लस, अब 41 गुणा होगा 2 से, तो माइनस 41 गुणा 2, माइनस 41 को 100 से गुणा किया, 100 में कितने जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो, यहाँ कितना रहा 1, 1 को 41 से गुणा करो 41, और माइनस का माइनस, क्योंकि माइनस का निशान एक बार ही आया है, प्लस माइनस 41 को 2 से गुणा किया, तो 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को 4 से किया 8, ये आगे अब माइनस के निशान एक बार है तो आ जाएंगे माइनस के 82, देखो ये भी माइनस के 41 तो, और ये भी माइनस के 82, दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस 41 और 82 टोटल हो गए माइनस 41 82, ये आ गया आंसर, ओके। चलिए यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों की जोड़ हो रही है, जोड़ बाकी पर निशान वही रहता है, ये माइनस माइनस है दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 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 ही रहेगा और दोनों जुड़ जाएंगे, जब गुणा होता है ना तो निशान बदलते हैं। चलिए चलिए कीजिए आप इसको नोट कीजिए, चलिए अब इसके बाद ई करवा देते हैं, ई क्या है 625 गुणा माइनस 35 प्लस माइनस 625 गुणा गुणा है अपने पास, मैंने 625 गुणा हो रहा है 65 से,
देखो पहला था ना अपना पहला, इसका हमने जो पहला किया था उसकी तरह ही हुआ ये भी। देखो ये 625 यहाँ आ रहा है, अरे भाई 625 आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पर भी कितना आ रहा है माइनस 625, 625 यहाँ पर भी है और 625 यहाँ पर भी है, दोनों जगह हैं। तो 625 को क्या ले लेंगे बाहर, कॉमन ले लिया। अरे 625 यहाँ पे हैं, देखो ये प्लस का निशान, ये दोनों गुणा हो रहे हैं इसमें 625 है, फिर प्लस ये दोनों गुणा हो रहे हैं इसमें भी 625 है, 625 इस तरफ भी हैं और 625 इस तरफ भी है। 625 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, यहाँ से 625 बाहर आया, यहाँ कितने रहे माइनस 35, फिर ये प्लस का निशान, तो ये प्लस का निशान, यहाँ से भी ये 625 आ गया बाहर, क्योंकि ये दोनों में था तो दोनों से बाहर आ गया, कॉमन था इसलिए। यहाँ कितने बचे 65, कितने बचे गुणा 65, ठीक है। अरे भाई 625, ये 625 इसमें भी था और इसमें भी था, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब ये प्लस का निशान है, अरे 625 दोनों में था तो यहाँ से ये 625 बाहर आ गया, यहाँ से भी 625 बाहर आ गया, यहाँ से 625 बाहर आ गया, ठीक है। अब ये माइनस 35 है और ये 65 है, ये माइनस 35 का माइनस 35 और 65 के 65, बीच में निशान प्लस का, ठीक है। अब 625 के 625 रहेंगे, 35 और 65 कितने होते हैं 100, कितने होते हैं 100, ठीक है। अब 625 को 100 से गुणा करेंगे, इन दोनों के बीच में किसका निशान है, गुणा का निशान चलता आ रहा है। देखो 625 के 625, 100 में कितने जीरो, एक और एक दो जीरो, ये दो जीरो और माइनस का माइनस, तो माइनस का निशान कितनी बार आया है एक बार, ये आगे माइनस 62,500। चलिए इसको नोट कीजिए, ये हो गया पहला था ना वैसे ही है, यहाँ से 625, यहाँ से 625 कॉमन ले लिया, 35 प्लस 65 इन दोनों को जोड़ा, 100 हो गए, 100 को